प्रथम तहलका न्यूज। भारत बंद को लेकर कांग्रेसी नेता और हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायी सदस्य हरपाल भूरा ने कहा कि किसानों को सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेता किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कानूनों में संशोधन करने का दावा कर रही है। ऐसे में भाजपा सरकार किसानों को बरगला रही है। हरपाल भूरा ने कहा कि भारत बंद सफल रहा और हिसार 95% बंद रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित, गरीब, मजदूर, किसान हितेशी पार्टी है। कांग्रेस की सरकार बनने पर तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा और ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं। कांग्रेसी नेता ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन ही नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है। भारत बंद को किसान सहित सभी वर्गों के लोगों ने समर्थन दिया है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि तीनों काले कानून लागू करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सरकार ने जो तीनों काले कानून लागू किए हैं, ये कानून जबरदस्ती किसानों पर थोपे जा रहे हैं। किसान इसे अपने हक में नहीं समझता, ऐसे में सरकार को ये कानून रद्द करने चाहिए। किसानों को समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जब से अध्यादेश लाए गए और फिर पार्लियामेंट में बगैर डिबेट इनको पास करवाया गया, कांग्रेस जब से इसका विरोध कर रही है और कांग्रेसी तीन काले कानूनों को खत्म करने के लिए राहुल जी ने सोनिया जी के और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आदेश अनुसार आज कांग्रेस ने उसका बंद का समर्थन किया है। और हिसार के अंदर तो कम्प्लीट ये मेरे ख्याल में 95% ये कामयाब रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस तो हमेशा दलित की, मजदूर की, किसान की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की। आज ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं जन आंदोलन बन गया। इसमें वकील है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सभी जितने सामाजिक संगठन है सब ने इनको समर्थन दिया है। ये लाखों किसान जो वहां बैठे हैं, इतना लंबा जो कर रहे हैं, इनके तीन कानूनों के अंदर ये जो तो कानून इन्होंने बनाए हैं, ये लंबी अवधि के बाद किसानों के लिए बड़े घातक सिद्ध होंगे। किसान और कांग्रेस पार्टी शुरू से ये डिमांड करती रही है कि भाई MSP की गारंटी दी जाए और जो प्राइवेट कंपनियां को पैन कार्ड के आधार पर खरीदने की जो ओपन मंडी की जो ऑफर की गई है, उसमें अगर किसी उपज का मांग नहीं होगी तो वो व्यापारी खरीदेगा नहीं उसको। जो पैन कार्ड से खरीदेंगे तो वो उसके दाम गिर जाएंगे, इसलिए इसकी MSP की गारंटी देनी चाहिए और जो पैन कार्ड के आधार पर जो खरीदारी करेंगे प्राइवेट व्यापारी, उनको को भी अगर वो MSP पर नहीं खरीदे दंडनीय अपराध घोषित करे इसको। ये पहली मांग तो ये है इनकी। और दूसरा ये है कि इस कानून में इसलिए रद्द करने जरूरी है क्योंकि इनमें प्रावधान किया गया है जो प्राइवेट जो मंडियों में जो खरीदने की जिसको इजाजत दी गई है उनमें सरकार उनको वैध नहीं कर सकती कि वो MSP दे। इस कानून में खामी है, इसको खत्म करने से ही हो सकती है। अदरवाइज सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन प्राइवेट एजेंसियों को जो खरीदेगी इनको बाध्यकारी इनको नहीं कर सकती कि भैया MSP पर इनकी फसल खरीदी जाए। दरअसल किसान आंदोलनों पर राजनीति लगातार जारी है और इस कड़ी में पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि राजनीति से परे इन किसानों की समस्याओं का हल आखिर कब हो पाता है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।